नमस्कार, आकिब शिवहर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। शिवहर की पिपराड़ी बाजार के सब्जी मंडी में फल सब्जी बेचने वाले शेड का होगा निर्माण। शेड बनने के बाद सातों दिनों तक लगेगा बाजार। चेयरमैन नीलम देवी के द्वारा चेयरमैन की फुल्ली पावर का इस्तेमाल करते हुए फल सब्जी बेचने वाले शेड का निर्माण कार्य सैंक्शन किया गया है। दो चार दिनों में शुरू होगा कार्य। सुल्लम मार्केट कॉम्प्लेक्स और पिपराड़ी बाजार बनने जा रहा है, जो दो चार दिनों से शुरू होगा कार्य। एवं विवाह भवन का भी प्रपोजल चेयरमैन नीलम देवी के द्वारा भेजा गया है और तुरंत सैंक्शन हो जाएगा और बनने की संभावना जल्द जताई जा रही है। चेयरमैन प्रतिनिधि मनोज सिंह ने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। जी कहा जाए, पिपराड़ी बाजार में माननीय चेयरमैन साहब द्वारा लोग जो कॉमेंट कर रहे हैं, चेयरमैन की फुल्ली पावर को इस्तेमाल करते हुए और फल सब्जी बेचने वाले शेड का निर्माण कार्य सैंक्शन किया गया है, जो दो चार दिन में शुरू हो जाएंगे। 16 मार्केट कॉम्प्लेक्स और पिपराड़ी बाजार पर बनने जा रहे हैं, जो दो चार दिन में शुरू हो जाएंगे। और विवाह भवन का भी प्रपोजल माननीय चेयरमैन साहब द्वारा भेज दिया गया है और तुरंत सैंक्शन हो जाएगा और बनने की संभावना है। अच्छा, ये जो कर माफ किया गया है, इसके प्रति लोगों को क्या कहना है कि जो आसपास के जो मार्केट में रहते हैं, यहाँ कर माफ कर दिया गया है कि लोग यहाँ भी आकर दुकान लगा सकते हैं, उनका कर फ्री होगा? उनका पिपराड़ी में वो जो प्राइवेट लैंड है, छोड़ के सरकारी किसी लैंड पर वो बिजनेस करेंगे, दुकान लगाएंगे, चलता फिरता, उन्हें कौड़ी नहीं लिया जाएगा। और ये जो लोग कहते हैं कि पाँच साल, मैं पाँच साल में किसी को दिया हूँ, कुछ लिया नहीं हूँ, और आज भी मैं देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ, मैं किसी को चकमा नहीं दिया हूँ, मैं किसी से दलाली नहीं किया हूँ, इसलिए मैं जनता का पाँच साल जो हमको जनता कुर्सी पर भेजा माननीय चेयरमैन साहब नीलम देवी को बना करके, उन्हें जो मिला मानदेय में जो उन्होंने रियल पैसा कमाया, हमने जनता को डायरेक्ट सेवा करने का काम किया है। और वो जो 2 रुपया या 10 रुपया जो गरीब को कमाई होगा, वो डायरेक्ट वो अपने बाल बच्चे शिक्षा स्वास्थ्य अन्य कार्यों पर खर्चा करेंगे। महीना में एक दुकानदार को 700 से 800 रुपया का मुनाफा होगा, जो हम लोगों ने ये गरीबी कोरोना या आर्थिक मंदी के चलते जो आज हमारे गरीब रोड पर थे, उनको हमने बिजनेस करके कमाने का मौका दिया है और मैं ये सदा देता रहूंगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।